ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। होटल लॉज चेकिंग के दरमियान होटल लैंडमार्क में नाबालिग अभद्रता तथा नाबालिग आरोपी बिना सूचना के विगत एक माह से रहते मिले। पुलिस ने अभद्रता की दस्तयाबी कर होटल लैंडमार्क के मैनेजर रोहित राजपूत के विरुद्ध धारा 21 पास को एक्ट के नाबालिग बच्चों को बिना सूचना के अपने होटल में रखने का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी सीएसपी छावनी प्रभात कुमार झा ने दी है। मामला दर्ज हुआ, पूरा क्या मामला? छावनी थाने में बैरागी मोहल्ला में लगभग एक महीने पहले एक नाबालिग लड़की के गुम इंसान दर्ज हुआ था और नाबालिग होने के कारण साथ में किडनैपिंग 300 के छठ का केस भी दर्ज हुआ था और दोनों बच्ची की खोजबीन हम कर रहे थे। कोई मोबाइल पुराना या सिम यूज़ नहीं हो रहा था, उस समय दिक्कत रही, हम खोजबीन में लगे हुए थे। दो दिन पहले मेरे द्वारा पेट्रोलिंग को एक पॉइंट दिया गया था कि छावनी क्षेत्र के जितने भी होटल लॉज है वहाँ पर जाकर नॉर्मल चेक करें और देखें कि सारे रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं कि ना, डेटा लिया जा रहा है कि नहीं। उसमें जब डेटा देखा जा रहा था तब देखा गया कि एक रूम में दो नाबालिग एक साथ रह रहे हैं, दोनों की उम्र 18 साल से कम है, लड़का और लड़की, और दोनों एक साथ रह रहे थे। जब और खोजबीन की गई और पता किया गया तो उसमें से जो बालिका थी वो उसी क्षेत्र की थी। तो दस्तयाब किया गया गुम इंसान को दस्तयाब किया गया है और आगे उसमें कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में क्योंकि होटल के साथ होटल के मैनेजर के द्वारा जिसने भी इनको रूम दिया था, बड़ी लापरवाही हुई है। दोनों नाबालिग को जो कि उसी इलाके के हैं, कहीं दूर के भी नहीं है, 500 मीटर दूर होटल से 500 मीटर दूर बैरागी मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के दो नाबालिग लोगों को रूम देकर एक महीने से रखे थे, तो ये एक बड़ी चूक थी। पॉक्सो एक्ट में धारा 21 में अगर कोई पॉक्सो एक्ट की से संबंधित क्राइम की सूचना किसी को होती है, नहीं देने से उस पर पॉक्सो एक्ट धारा 21 लगती है। तो पॉक्सो एक्ट धारा 21 में अलग से एक क्राइम होटल के मैनेजर के ऊपर दर्ज किया गया। होटल और लॉज वाले को कुछ सजेशन होगा? हाँ, तो इसमें एक अभी हम ये अभियान लगातार चलाने वाले हैं पूरे जिले के और खास करके छावनी अनुविभाग के होटल संचालकों को ये सूचित किया जाता है और ये वार्निंग दी जाती है कि आप लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करिए। जिसको भी रूम दीजिए उनकी KYC लीजिए, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स लीजिए। अगर कुछ भी संदेहास्पद है तो बताइए। कोई बाहर का बंदा आकर 2, 4, 6 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन को दीजिए। नाबालिगों को संरक्षण ना दे और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की आपको संदेह होती है तो पुलिस को उसकी सूचना दे। सर, पहले भी इस टाइप के आप लोगों के मुहिम चलाए थे, उसके बाद भी ये स्थिति आ रही है, इस पर आपको अगला क्या होगा? तो इसीलिए हम अपनी मुहिम चलाते रहेंगे और इसमें जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे कि इसमें होटल के मैनेजर जिसने लोगों को रूम दिया और इसमें प्रथम दृष्टि दिख ही रहा था कि दोनों जो आधार कार्ड है, दोनों जो कार्ड्स आइडेंटिटी कार्ड है, उस कार्ड में दोनों का एज 18 साल से कम था, फिर भी उन्हें लगभग एक महीने से शरण दे के रखे थे और एड्रेस भी जो है वो लोकल 500 मीटर दूर बैराजी मोहल्ला का था, तो बड़ी चूक थी। तो भविष्य में भी जिससे भी गलती होगी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये मुहिम हम चलाते रहेंगे। हर हफ्ते एक दो बार हम होटल्स की चेकिंग करते हैं। सर, होटल किसका था सर, नाम आया है? लैंडमार्क होटल है, ओनर का नाम मेरे पास अभी नहीं है लेकिन आप लोग पता कर लीजिए। ठीक है।